प्रशासन से पहले मरीज की मदद करने पहुंचे समाज सेवी गौतम खंडेलवाल। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान महासंकट काल में लगातार अपनी समाज सेवा को जारी रखते हुए समाज सेवी गौतम खंडेलवाल गोवर्धन तहसील में मौजा नेनू पट्टी के गांव नगला भाऊ अपनी टीम के साथ कैंसर पीड़ित लेखराज जी से मिलने उनके घर पहुंचे तथा कैंसर पीड़ित परिवार को खाद्य राशन सामग्री और गर्मी को देखते हुए पंखा सहायता के रूप में प्रदान किया गया तथा कैंसर पीड़ित लेखराज जी का इलाज अच्छे अस्पतालों में करवाने का वादा किया है और कहा हर संभव मदद हम हर वक्त करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व कैंसर पीड़ित लेखराज ने और उनके बेटे और बहू ने अपने खेत तक को गिरवी रख इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने SDM गोवर्धन राहुल यादव को भी ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई थी। शासन प्रशासन की तरफ से गरीब परिवार को मदद मिलेगी या नहीं वह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल समाज सेवी गौतम खंडेलवाल द्वारा गरीब असहाय परिवार की जो मदद की जा रही है उसकी चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। एक कैंसर पीड़ित के बेटे और बहू ने SDM के यहाँ अपनी गुहार लगाई थी मदद के लिए, तो सुनने में आया कि आपके संज्ञान में जब ये मामला आया तो आपने भी उसकी मदद की है, तो क्या मामला है? एक्चुअली हमारे यहाँ समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके बने हुए न्यूज चैनल के पोर्टल के, उनके माध्यम से पता लगा कि पेंठे के पास एक गांव नगला भाव पड़ता है छोटा सा, उस नगला में एक पीड़ित परिवार है जो काफी दयनीय स्थिति में है और उसको काफी परेशानी है, कैंसर से वो पीड़ित है और उसके इलाज में उसके परिवार का सब कुछ बिक चुका करीब करीब। तो हमें पता लगा तो हम भी तत्काल पहुंचे वहां पे और एक पत्रकार बंधु थे उनके साथ, उनको ही साथ लेकर गए थे। उसके बाद उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह जाके देखी हमने, वो रिपोर्ट्स मैंने अपने लेवल पे एम्स में भेजी और लखनऊ में भेजी मैंने और वहीं पर उनके सामने मैंने बात की, तो वहां पता लगा कि अभी कहीं भी हॉस्पिटल्स में 31 तारीख से पहले OPD चालू नहीं होगी, तो 31 तारीख के बाद जो भी देखेंगे जो भी बेस्ट हो सकेगा वहां पर उनका हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करेंगे। और बाकी वहां जाके पता लगा कि उनके पास राशन तक नहीं है घर में, तो हम लोग जब गए थे तो यहां से हम लोग एक महीने का राशन भी साथ लेकर गए थे उनके लिए, तो राशन भी उनको देकर आए और फिर किसी ने बताया पड़ोस में कि उनके घर में पंखा तक नहीं है, एक बल्ब तक नहीं है। तो मैंने तत्काल अपने स्टाफ को वहीं से बोला, जो स्टाफ मेरा उसी के गांव के पास का था, उससे कहा कि मैंने इनको सुबह आप आएंगे तो उसको इनको पंखा एक बेस्ट फैन और इनको बल्ब वगैरह 3-4 घर में लगवा दिया, तो ये सुविधा हमने अभी फिलहाल में अपनी तरफ से की। जैसा कि उन्होंने SDM साहब के यहाँ पे भी प्रार्थना की थी मदद के लिए, अपनी गुहार लगाई थी, तो क्या वहां से उनको कोई मदद मिल पाई है? नहीं, अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई वहां से मदद मिली है, और यदि मदद मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रशासन को भी ऐसी, और सबसे बड़ी बात है प्रशासन के साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि अपने लेवल से जो भी मदद हो सके, जो कोई ऐसा गरीब परिवार है या ज्यादा पीड़ित है तो उनको भी ऐसे कंडीशन में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन